हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आप सभी लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसको देखा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और काफ़ी पढ़ा भी होगा। और उसके बाद आज हम लोग 23rd नंबर क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी चैप्टर्स जितने भी हैं एनसीईआरटी के, जितने भी चैप्टर्स हैं 12th के, उन सबों का क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इजीली आपको लर्न हो सके, इसके लिए हमने उस सभी सभी को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जितने भी टॉपिक्स हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है, और उसी का वीडियो हम लोग सीरीज वाइज अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पोस्ट कर रहे हैं, जिससे आप आसानी से उन चीज़ों को डिस्कस देख करके, डिस्कस करके अपना एक कंसेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं, और जो आने वाला फोर्थकमिंग जितने भी एग्जाम है उसमें आपको बेनिफिटेड होगा। हेंस नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रायो? तो द एम्ब्रायो विच हैज़ टू कॉटिलेडन्स, वेरी सिंपल, जिसमें दो कॉटिलेडन होंगे उसको डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रायो कहेंगे। अब जो डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रायो होते हैं उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा पार्ट होगा? द फर्स्ट पार्ट इज एम्ब्रायोनल एक्सिस, नंबर टू इज द टू कॉटिलेडन्स होते हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रायो। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस, एम्ब्रायोनल एक्सिस का वह पोर्शन जो कॉटिलेडन के लेवल से ऊपर हो, ठीक है, दैट इज नोन एज एपिकोटाइल, और जो बिलो हो उसको क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहते हैं, करेक्ट। जो एपिकोटाइल होते हैं वो प्लूम्यूल के रूप में, जो प्लूम्यूल के रूप में डेवलप करते हैं, या प्लूम्यूल के रूप में ग्रो करते हैं, या स्टेम टिप के रूप में ग्रो करते हैं, जहाँ पे हाइपोकोटाइल जो है वो आपको रेडिकल के फॉर्म में या रूट टिप के फॉर्म में डेवलप करते हैं, और रूट टिप कवर्स विथ रूट कैप का फॉर्मेशन करते हैं, अंडरस्टैंड? तो दीज आर अबाउट डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रायो, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि नीचे में आपको हिंदी फॉर्म में लिखा हुआ है, जो आसानी से आप समझ सकते हैं कि हिंदी में डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रायो ये भ्रूण क्या है, उसके बारे में हिंदी में लिखा हुआ है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ओके। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर है मोनोकॉट एम्ब्रायो। व्हाट इज मोनोकॉट एम्ब्रायो? जैसे डाइकॉट एम्ब्रायो में सिंगल कॉटिलेडन, टू कॉटिलेडन्स था, तो यहाँ पर मोनोकॉट एम्ब्रायो में क्या होगा, एक कॉटिलेडन्स होगा। और यहाँ जो कॉटिलेडन्स जो होते हैं मोनोकॉट, एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा ग्रासेस फैमिली है, ग्रासेस फैमिली इसमें जो कॉटिलेडन्स होते हैं उसको स्क्यूटेलम कहते हैं। कितनी बार पूछा जा चुका है ये, सो मेनी टाइम्स ये नीट के भी एग्ज़ाम में आपको कितनी बार पूछा जा चुका है, या कि व्हाट इज एस्क्यूटेलम? एक्चुअली यहाँ पर ऐसे करके हम लोग देख लें, व्हाट इज एस्क्यूटेलम, करेक्ट। तो मोनोकॉटिलेडन एम्ब्रायो में जो सिंगल कॉटिलेडन्स होते हैं ग्रासेस फैमिली का, उसका नाम होता है एस्क्यूटेलम, और ये आपको नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस एस्क्यूटेलम इज सिचुएटेड लैटरल साइड ऑफ द, जो एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है उसके लैटरल साइड पर सिचुएटेड होता है। द लोअर पार्ट ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस जो होता है उसको हाइपोकोटाइल कंटेंट्स करता है, और जो ऊपर वाला है उसको क्या कहते हैं, जो हाइपोकोटाइल होता है वो हाइपोकोटाइल के नीचे से एक शीथ होता है, दैट इज नोन एज कोलियोराइजा, और जो इपिकोटाइल होते हैं इपिकोटाइल के ऊपर जो शीथ होता है दैट इज नोन एज कोलियोप्टाइल, ये आपको याद रखना है, करेक्ट। अब उसी का ये हिंदी वर्जन है, क्या है डाइकोटिलेडन्स भ्रूण क्या है, एम्ब्रायो क्या है, अंडरस्टैंड? तो आप ये हिंदी वर्जन आपको आसानी से पढ़ के इसको भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। आप आगे पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा, व्हाट इज पेरिस्पर्म? इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द रेमनेंट पार्ट ऑफ न्यूसिलैश रिमेन्स इन द सीड इज नोन एज पेरिस्पर्म, एग्जाम्पल कार्डमम इलायची। अब पेरिस्पर्म क्या है, तो जो न्यूसिलस का कुछ पार्ट सीड में रह जाता है दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म, अंडरस्टैंड? यही इसका हिंदी वर्जन है, पेरिस्पर्म क्या है।
अब उसके बाद है व्हाट इज सीड कोट। सीड कोट क्या है? द इंटिगुमेंट ऑफ द ओव्यूल, आप जानते हैं ओव्यूल में दो इंटिगुमेंट होते हैं, आउटर और इनर इंटिगुमेंट। तो आउटर इंटिगुमेंट जो आउटर सीड कोट बनाता है जिसको टेस्टा कहते हैं, और जो इनर इंटिगुमेंट होता है वो टेगमेंट बना देता है, जो वाटर वाटर को एब्जॉर्ब करता है एक्चुअली, और गैसियस एक्सचेंज होता है किसके थ्रू? थ्रू द माइक्रोपाइल एंड माइक्रोपाइल पोर के द्वारा। थ्रू द माइक्रोपाइल पोर गैसियस एक्सचेंजर एंड वाटर एक्सचेंजर्स टेक्स प्लेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो मैच्योर ड्राई सीड्स होते हैं उसमें नॉर्मली 10 to 15% ऑफ द मॉइस्चर होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है कि जो सीड बहुत दिनों तक हम उसको कंटेन कर सकते हैं कि ये बिना जर्मिनेशन के हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ताकि उसको फूड के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में, या सूटेबल प्रोपागेशन के लिए हम उसको वेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वो ऐसा इसीलिए होता है, और यह जो सीड है उन दिनों तक, मतलब जब तक हुआ जर्मिनेट नहीं होता उस स्टेज तक, उसको डॉर्मेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। और यह स्टेज, ये जो कंडीशंस होते हैं दैट इज नोन एज डॉर्मेंसी। द सीड रिमेन्स विदाउट जर्मिनेशन बाय स्लोइंग डाउन द एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रायो ऑन सच स्टेज इज नोन एज सीड डॉर्मेंसी। अंडरस्टैंड? सीड जर्मिनेटेड व्हेन द फेवरेबल कंडीशन केम। ओके, इसी का ये हिंदी वर्जन में है कि व्हाट इज सीड कोट, करेक्ट। इसका हम हिंदी वाला आसानी से समझ सकते हैं, ये आपका हिंदी में है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज फ्रूट, सबसे पहले फ्रूट जानेंगे। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के बाद द ओवरी इज कन्वर्टेड, या ओवरी इज डेवलप्ड इंटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्ड इंटू सीड। देन व्हाट इज ट्रू फ्रूट या फॉल्स फ्रूट क्या है? तो क्या होता है ना कि व्हेन द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी ओनली एंड देर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ अनदर फ्लोरल पार्ट्स फॉर द डेवलपिंग ऑफ फ्रूट, देन इट इज़ नोन एज ट्रू फ्रूट। मतलब यह हुआ कि वो जो फ्रूट, ऐसा फ्रूट जो हमेशा, जो केवल और केवल ओवरी से डेवलप होता है और उसके अलावे किसी भी फूल के, फ्लावर्स के पार्ट्स का कंट्रीब्यूशन उस फ्रूट के डेवलपमेंट में नहीं होता है, सच फ्रूट इज नोन एज ट्रू फ्रूट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपके कोकोनट हो गए, मैंगो हो गए, चिली हो गया, मिर्च, टोमेटो हो गया, टमाटर जानते ही। उसके बाद दूसरा है कि द फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स देन ओवरी, ओवरी को छोड़ करके अन्य फ्लोरल पार्ट्स अगर फ्रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए दैट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल जो सबसे फेमस फ्रूट है, एप्पल वही फॉल्स फ्रूट है, ऑरेंज, लीची, इटिसे। ओके, एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि एरिल ऑफ लीची इज एडेबल। जो लीची का पूछा गया है कई एक बार बिहार बोर्ड और CBSE में भी एक नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, और आपके नीट में भी, जो लोग मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी है कि व्हाट इज एरिल। तो एडेबल पार्ट ऑफ लीची इज एरिल। मैंगो का मीजोकार्प एडेबल होता है। कोकोनट का जो हम लोग खाते हैं वो एंडोस्पर्म होता है, जो लिक्विड है वो आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो व्हाइट कर्नल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट इज ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ये ट्रू फ्रूट को हिंदी में सत्य फल या झूठे फल कहते हैं। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि फल कोई झूठा होता है या सच्चा होता है, ये जस्ट उसका एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जाएगा कि वो सच्चा फल क्या है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यहाँ पर भी आप समझ लें कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है, कि नॉर्मली ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी डेवलप्स इंटू फ्रूट। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि जो ओवरी है वो फ्रूट के फॉर्म में डेवलप हो जाए प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, निषेचन से पहले ही ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाए, सच प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस एंड द फ्रूट डेवलप्स थ्रू दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक। अगर बिना निषेचन के ही फल ओवरी से डेवलप हो जाए तो इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और इस फॉर्म
फल को पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं, ओके, जैसे बनाना हो गया, करेक्ट, उसी का ये हिंदी फॉर्म में आप देख लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड, का महत्व क्या है, बीज का क्या महत्व है। तो सबसे पहले है कि जो सीड है वो प्लांट्स के प्रोपेगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो सीड है ये प्रोड्यूस करता है एक ब्रिज, एक पुल दो जनरेशन के बीच में, पहला जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में जो कनेक्टिव लिंक है, जो जुड़ाव है, वो ड्यू टू द सीड है। सीड इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज़ यूज एज मेडिसिन, मेडिसिन में यूज हो सकता है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए फ्रूट, इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, आयल्स, इट सीड से वगैरह वगैरह, तो ये सब सीड का इम्पोर्टेंस है, करेक्ट। उसी का आप यहाँ पर हिंदी वर्जन में देख सकते हैं, बीजों का महत्व। उसके बाद है व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायोनी। एपोमिक्सिस है कि जैसे हमने देखा कि फ्रूट का डेवलपमेंट अगर बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए तो पार्थेनोकार्पी है, लेकिन अगर सीड का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए तो उसको कहते हैं एपोमिक्सिस, अंडरस्टैंड। एपोमिक्सिस एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कॉपी करता है, वेयर जिसमें कि ये डिप्लॉयड एक्सेल इज फाउंड विदाउट द डायरेक्शनल डिवीजन ऑफ द सीड, विच डेवलप्स इनटू द सीड। इसमें बिना कोई रिडक्शनल डिवीजन के ही डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन होता है, जो कि सीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है पॉली एम्ब्रायोनी, यू सी हियर पॉली एम्ब्रायोनी, जो न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं वो चारों तरफ से एम्ब्रायो सैक को घेरते हैं, सराउंड्स करते हैं, और वो डिवाइड होकर के अंदर की तरफ, एम्ब्रायो सैक के अंदर की तरफ प्रोट्रूड करते हैं, अंदर अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से उसमें लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारा एम्ब्रायो डेवलप हो गया है। सच कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रायोनी। ये स्पेशली मैंगो में, लेमन में, ऑरेंज में देखा जा सकता है, अंडरस्टैंड। तो ये सब सारे दो टॉपिक्स हो गए आपके, एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज पॉली एम्ब्रायोनी, आप समझ गए। उसी का ये हिंदी वर्जन में है, आप निश्चित रूप से इसको देख सकते हैं, ये हिंदी वर्जन है, करेक्ट। अब इसमें है व्हाट इज हाइब्रिड क्रॉप सीड, व्हाई द हाइब्रिड क्रॉप सीड्स आर प्रोड्यूस एवरी ईयर। अब देखिए क्या होता है ना कि जो हाइब्रिड क्रॉप सीड्स है वो हर साल क्यों प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, वरना वो हाइब्रिड रहता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जब वो ओपन फार्मिंग होती है तो वहाँ पर ऑटोगैमी या डिफरेंट टाइप्स के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका कंटामिनेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है, एंड ड्यू टू कंटामिनेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन में कम, उसके बाद क्या होगा, डिफरेंट टाइप के जीन होने से जो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर होगा वो कंटामिनेट हो जाएगा, वो पार्टिकुलर कैरेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड क्रॉप सीड एवरी ईयर, इसीलिए हर साल जो संकर फसलों के बीज होते हैं वो पैदा करना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही इस सेकेंड चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज़ है आज समाप्त होता है, और हम लोग अगले दिन अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का सीरीज शुरू करेंगे। आप जो सभी लोग आज जो वीडियो देख रहे हैं इनको अपने अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अपने फैमिली ग्रुप्स हैं जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है, उनके बीच में शेयर करें, उनके डिस्कशन करें। अगर इसमें आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के फॉर्म में एराइज कर सकते हैं, हम आपका वहीं पर जवाब देंगे। और साथ ही साथ आप इसको अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जो सभी लोग जानते हैं, सब लोग करते हैं, और सभी लोग मिल करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, कॉपरेट करें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।